हेलो दोस्तों, बेंगलोर में बहुत बारिश हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ चटपटा सा बना लिया जाए। काफ़ी टाइम से मैंने ब्रेड रोल नहीं बनाए थे तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्रेड रोल बना लिया जाए, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है और मुझे तो ये बहुत पसंद है। आइए दोस्तों, अब इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी रेसिपी है ये, ब्रेड रोल की स्टफ ब्रेड लो जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बारिश के सीज़न में ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप चाय के साथ या इवनिंग स्नैक्स में या ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकते हैं, एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी। आइए दोस्तों, अब इस सिंपल सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं। इन आलूओं को दोस्तों हमें अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। मैशर की सहायता से मैंने इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। ये देखिए, अच्छे से हमने इनको मैश कर लिया है। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट ये बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ पर हमें इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ डालना है, जिसमें मैंने थोड़ी सी यहाँ पर प्याज ले ली है। एक यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, 2 छोटी छोटी हरी मिर्ची और 1 गाजर का यहाँ पर मैंने टुकड़ा ले लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है और इस चॉपर में हम अच्छे से इन्हें चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक मैंने इस चॉपर की सहायता से इन्हें चॉप कर लिया है। आप बारीक काट लें। ये देखिए, अच्छे से मैंने हैंड चॉपर से इन्हें अच्छे से चॉप कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों, और इस चॉपर की सहायता से आप जल्दी से बारीक सब्जियां भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इन्हें अच्छे से चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं जो सारी सब्जियाँ जो हैं वो अच्छे से बारीक चॉप हो गई हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, हमने सब्जियों को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। अब हम आलूओं में ये सब्जियां मिक्स कर देंगे। अच्छे से ये चॉप हो गई है बिल्कुल बारीक। अब हमें आलूओं में ये सब मिला देना है। सारी सब्जियां मैंने इसमें मिला दी हैं। अगर आपके पास मटर है तो आप मटर भी, सफल मटर भी यूज इसमें कर सकते हैं। सारी सब्जियों को हमने अच्छे से मिला दिया है। आप चाहें तो तड़का भी तैयार करके इसमें तड़के के साथ वाला आलू भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने सब्जियां इसमें मिला दी हैं। इसके बाद थोड़ी सी यहाँ मैंने मसाले डाले, जैसे कि यहाँ मैंने चाट मसाला डाला है। खटाई के लिए यहाँ थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर डाला है। आप चाहें तो हल्का सा नींबू का रस भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। स्वाद के हिसाब से यहाँ हमने नमक ऐड कर दिया है। हम इसकी अच्छी सी स्टफिंग तैयार करेंगे। और यहाँ पर हमने सौंफ डाल दी है थोड़ी सी इसमें। इन सबको अच्छी तरीके से मिला के हमें अच्छी सी स्टफिंग को तैयार करना है। थोड़ी सी यहाँ मैंने लाल मिर्ची का यूज़ किया है, थोड़ा सा यहाँ मैंने जीरा पाउडर डाला है और यहाँ पे हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और अच्छा सा हमें जो आलू का स्टफिंग है वो तैयार कर ली। आलूओं को हम अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लें, ताकि अगर थोड़े बहुत आलू के टुकड़े भी हैं तो वो हाथ से अच्छी तरीके से, ये देखिए दोस्तों, हम अच्छे से ना इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। हमारी जो स्टफिंग है ये देखिए अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, लगभग यहाँ पे मैंने 2 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का यूज किया है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हमें एक पतला सा बैटर तैयार करना है, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी वाला बिल्कुल हमें बैटर तैयार करना है। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको, अगर आपके पास ये कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर जो है वो तैयार कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए। ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर पे ही बनाए थे, जो व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड या व्हीट वाली ब्रेड आती है उससे। यहाँ पे मैंने व्हीट ब्रेड का यूज़ किया है और सारी सामग्री हमने अपने साथ रख ली है। और एक बाउल में यहाँ हमने पानी ले लिया है। इस तरीके से हम ब्रेड लेंगे, उसको हम हाथों से अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा अच्छे से निकल जाए। ये देखिए, हाथों से ब्रेड को दबा दबा के हमें इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो पूरा इसी में निकाल देना है। आप चाहें तो वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने ब्राउन ब्रेड लिए और अगर आप चाहें तो इसके साइड से भी ये ब्रेड को आप काट सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मली जैसे मैं बनाती हूँ ब्रेड मैंने बिल्कुल कट नहीं की। अगर आप काटते हैं तो उस ब्रेड को आप थोड़ा सा सुखा कर उसके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए, अच्छे से हम इसको रोल कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें इसको चिपकाना है और हाथों की सहायता से इसको हम एक शेप दे देंगे। सिलेंड्रिकल हमें इसको शेप दे देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसको शेप दे दिया है। इसी तरीके से हम अपने सारे जो ब्रेड रोल हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी में इस तरीके से डालेंगे। आप वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, अच्छे से दबाएंगे और इन्हें हम वापस से इस तरीके से शेप दे देकर इन्हें सारे ब्रेड रोल इसी तरीके से बना लेंगे। अच्छे से आप इसको पैक करें, नहीं तो जब हम इन्हें तलेंगे तो आलू का मसाला भी कढ़ाई में निकल सकता है, तो हमारा पूरा ऑयल भी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, हम इसी तरीके से सारे ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ मैंने
कॉर्नफ्लोर का घोल ले लिया है, इसको नीचे से इस तरीके से हम घोल लेंगे, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर है वो नीचे चिपक जाता है, नीचे रह जाता है, इसलिए जब भी हम इसमें डालेंगे अपने ब्रेड रोल को तो थोड़ा सा इसको घोल को मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी नीचे लगा हुआ कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। इस तरीके से हम मिक्स करेंगे, चम्मच की सहायता से इसके ऊपर भी हम अच्छे से फैला देंगे, ताकि अच्छे से ये कोटेड हो जाए कॉर्नफ्लोर से। ये देखिए अच्छे से हमें इसको कॉर्नफ्लोर से कोटेड करना है, चारों तरफ से हमने इसको अच्छे से कॉर्नफ्लोर में डिप कर लिया है। अब हम फोर्क की सहायता से इसको इस तरीके से निकालेंगे, ताकि एक्स्ट्रा इसमें जो कॉर्नफ्लोर है और जो है वो उसी में चला जाए, और इसको ब्रेड क्रम्स में डालकर इस तरीके से हाथों की सहायता से जितना एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स इसमें लगा हुआ है उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको करेंगे, ताकि एक्स्ट्रा जो भी ब्रेड क्रम्स है वो उसी में ही झड़ जाए, और जितनी ज़रूरत है बस उतना इसमें कोट हो। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड रोल को तैयार कर लेंगे। पहले हम इसको कॉर्नफ्लोर के घोल में डालेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, और ये देखिए सारे मैंने ब्रेड रोल इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप आराम से इनको कर सकते हैं तैयार। ये देखिए हमने इस तरीके से ये अपने सारे ब्रेड रोल तैयार कर लिया। मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी तेल गरम होने रखा हुआ था, जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे से हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे, और इनको इस दिखे थोड़ा सा ऊपर ऊपर तेल डालेंगे, ताकि ये जो तेल है वो कहीं से भी जो ब्रेड है वो चिपके नहीं। इस तरीके से हम इसको पलटेंगे धीरे धीरे करके, और इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक हम सेकेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सेक लेना है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही क्रिस्पी ये सेकते हैं। इसी तरीके से हम सारे अपने जो ब्रेड रोल हैं वो तल लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, आप झटपट ये ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं, और बारिश का मज़ा लीजिए चाय के साथ, जो कि खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। झटपट ये ब्रेड रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं, आप देख सकते हैं एकदम ये क्रिस्पी हमारे ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल कुरकुर कुरकुर इसमें आवाज़ आती है दोस्तों, आप एक बार ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आए। इसको हरी चटनी और सॉस के साथ दोस्तों मैंने सर्व किया है। एक बार इस तरीके से आप ब्रेड रोल बनाकर देखें, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं, बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आएंगे। बारिश में एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको दोस्तों मेरी ये ब्रेड रोल की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और नित्या मॉम्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप दोस्तों चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जब हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी तब भी ऐड कर सकते हैं, या जब हमने ब्रेड रोल तैयार किया था तब भी आप इसमें चीज़ ऊपर से लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में दोस्तों, तब तक इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए दोस्तों एकदम क्रिस्पी, अंदर से उतना ही सॉफ्ट हमारे ये ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गए, एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू दोस्तों।